गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जय श्री राम। और आज की शुरुआत हो रही है हमारी नोएडा से। नोएडा में कहाँ, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 परी चौक के पास, अल्फा वन। मतलब थोड़ा सा हमें ज्ञान कम है हम कहाँ पर हैं। रहते नहीं है पर यहाँ मज़ा बहुत आता है। यहाँ मज़ा बहुत आता है। देखो यहाँ पर हरियाली बहुत है भाई, पेड़ पेड़ बहुत है भाई। यहाँ बड़ी सी बिल्डिंग देखो, ये फॉग इतना हो रहा है कि कैमरा कैच नहीं कर पा रहा है। बिल्डिंग नहीं दिख पाई। ये देखो याली बिल्डिंग दिख गई, पर एक इस साइड भी है, बिल्कुल यहीं पर है। वो दिख रही दिख गई। ना दिख रही, इसके माथे के थोड़ा सा आ गए इस जगह देखो है नी, ये रही नहीं होगी जूम फ्रंट कैमरे से। तो गाइस अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं और ये देखो क्या दीवानी लग रही है। बस एक चीज़ हो गई, मैं एक चीज़ भूल गया, इस गाड़ी का कपड़ा भूल गया घर, माइक्रोफाइबर, जिससे अब मैं इस पर कपड़ा नहीं मार सकता और ये ऐसी ही गंदी रहेगी, मतलब साफ़ नहीं कर पाऊँगा अभी समय। हट ना, हट तो नो, लेट हो ना। हाँ, चल ऐसे क्यों कर रहा है साले, गेट खोल रहा है पूरा खोल। थैंक यू। बंद तो कर दे, मुझे फील तो ले रहे थे। हमने डॉक्यूमेंट्स अंदर रख दिए, गाड़ी के पेपर मिल गए भैया हमें, आरसी कलम वाले कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देख लिया। तो अभी से इसके घर ड्रॉप करना है और चलो रास्ते में बताऊंगा। चलो ड्राइवर। भाई ये देखो कितनी पब्लिक जा रही है भाई, ये जॉब करने जा रही है। और मेरे साथ अभी अंशुल गया था ना सुबह सुबह, तो मैं उसे ड्रॉप करने गया था उसके ऑफिस, एंड अभी यहाँ से निकल रहा हूँ भाभी के पास ग्रेटर नोएडा में, गौर यमुना सिटी। और यहाँ से करीब करीब 25 किलोमीटर दूर होगी, नहीं 25 नहीं सॉरी, अभी यहाँ से हम कितने 11 किलोमीटर ही हो गया और 20 किलोमीटर आगे हो गया, 31 किलोमीटर दूर है भाभी से। तो 31 किलोमीटर दूर जाना भी मुझे, ये ट्रक वाला क्या कर रहा है, बीच सड़क पर रोक रहा है भाई। तो 31 किलोमीटर दूर अभी हमें जाना है और फॉग आप लोगों को दिख ही रहा है भाई। फॉग तो वैसे मतलब परसों रात के हिसाब से तो बहुत ही कम है। एंड गाने सुनो, फॉग देखो कितना ज़्यादा हो रखा है, मतलब अभी तो फिलहाल फिर भी कम है, मतलब काफ़ी आगे की तरफ दिखाई दे रही है, देखो इतनी आगे करने के बाद जब दिख रहा है। लेकिन हाँ मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो मेरा पार्सल वाला सीन है ना अमेजोन वाला, वो रात आके मैंने बात करी, मतलब कंपनी में बात करी, तो वहाँ पर एक स्लिप थी जो अपडेट करनी थी, मतलब जो हमने ठीक है, थैंक यू सो मच, अब हम आगे से जाएंगे पर ठीक है, फिर से डिस्टर्ब करेगी वैसे तो अभी। तो सीन ये था कि एक जो स्लिप थी ना हमारे पास जो हमने पार्सल किया था, वो वाली स्लिप, वो सीन अब ये है कि वो हमने भेज दी, अब वो आज हमारे मतलब स्लिप जब हम डिपोजिट मतलब जब हमारा पार्सल पहुंच जाता है उस दिन टू द रूट, ठीक है, उस दिन से तीन दिन प्रोसीड टू द रूट, प्रोसीड टू द रूट, एक मिनट ये मेरे को बोल वापस बोल, प्रोसीड टू द रूट, मैं सब बंद कर देता हूँ वरना डिस्टर्ब करती रहेगी। हाँ तो सीन ये है कि वो जब हमारा पार्सल पहुँच जाता है उसके 3 दिन बाद हमारे पास पेमेंट आ जाती है, अगर नहीं आती है, इनकेस अगर वो पेमेंट हमारे पास नहीं आ रही है तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे साथ ये होगा कि हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। आज उन्होंने हमारे साथ कॉल अरेंज की करेंगे बहुत जैसा आज शाम को, तो उन्होंने अपना भी ऐड कर दिया कि आज हमें इनके पास कॉल करनी है रात को 9 बजे,
और तब वो हमें बताएंगे क्या होगा, मतलब या तो पेमेंट तुरंत आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो ऐसा हो सकता है कि एक दो दिन लेट हो जाए पर पेमेंट आ जाएगी। अभी उसने क्या करा था, मेरे भाई ने, कज़न ने, उसने पता नहीं किससे बात करी किससे नहीं, बट उसने कहा कि भाई 14 दिन बाद पेमेंट आएगी। मैं भी शांति से बैठ गया, मैंने कहा चल 14 दिन बाद। फिर मेरी एक दोस्त है उससे बात हुई, उसने कहा कि नहीं यार आज ही पेमेंट अभी आ जाएगी पेमेंट। उन्होंने बोलता है कि पेमेंट उसी टाइम आ जाएगी जिस दिन तुम्हारा वो हो जाएगा पार्सल वहाँ पर पहुँच जाएगा। मैंने कहा ठीक है तो फिर यार चलते हैं, क्योंकि यार इतना डिले मैं भी नहीं कर सकता। और उससे मेरी बात भी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा कि चल यार थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर ले, एंड टाइम ही ख़राब होएंगे, एक दो दिन ख़राब होएंगे, बट कोई बात नहीं पैसा निकल जाएगा, मेन चीज़ ये है। तो इन पैसों के चक्कर में भाई हमें तो यहाँ धक्के खाने पड़ गए, समझ रहे हो भाई साहब, ऐसा हो जाता कभी कभी सीन ख़राब। अब हम यहाँ पे, यहाँ से हमें नीचे की तरफ उतरना है, नीचे कहाँ उतरना है अब देखते हैं। नीचे के लिए हमें रास्ता देखना पड़ेगा। तो बस अब यहाँ से हमें लेना यमुना एक्सप्रेस वे से एग्ज़िट, ये सीधा निकल जाएगा आगरा की तरफ, एंड यहाँ से हमें एग्ज़िट लेने के लिए अंदर से जाना है। और क्या यहाँ पर बूथ स्टार्ट है? नहीं, यहाँ पर टोल बूथ स्टार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बराबर में ही गांव है, तो इस वजह से गांव वालों ने बिल्कुल बंद करा रखे हैं। इससे पहले वाले बूथ पर अगर मैं वहाँ पर उतर जाता तो वहाँ पर मेरा टोल लग जाता, बट हम इस वाले से इसलिए जाएंगे, एक तो ना हमारा यहाँ पर टोल लगता है, दूसरा हम बिल्कुल सोसाइटी के नज़दीक उतरते हैं एक्सप्रेसवे से। मतलब यहाँ से अभी 4 किलोमीटर की डिस्टेंस रह गई है सोसाइटी की, और पास ही पड़ता है, मतलब सीधा सीधा रास्ता पड़ता है, मेन चीज़ ये है। Keep right. तो वो जा रहा ना सामने की तरफ, इधर गाड़ी दिख रही होगी रेड कलर की, लाइट जलती हुई हल्की, ये देखो। ये भाई ये गलतियाँ मत करना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, इट्स वेरी डेंजरस फॉर एवरी वन गाइस। मेरी इंग्लिश अच्छी है ना, बहुत ही सॉलिड है भाई, मैं बोलता ही तो इंग्लिश, तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये गलतियाँ मत करो यार, मतलब इससे ना नुकसान बहुत ज़्यादा लोगों का। भाई फोग देखो यार कितना ज़्यादा है, इसमें फोन में इतना नहीं पता लग पाता, ये देखो सामने एक बाइक जा रही है, ये देखो बाइक से पता लग जाएगा ना, बाइक नहीं दिख रही इसमें, ठीक है कैमरे में। तो बस यही ये गलतियाँ मत करो जिससे नुकसान हो। अब देखो एकदम से टर्न लेगा लड़का, अब एकदम से मान लो कोई स्पीड से आ रहा हो ना ध्यान दे, वो रॉन्ग साइड पर, मतलब अपने की राइट साइड से कोई एकदम से टर्न ले लेगा तो उसका तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या रॉन्ग उस साइड से कोई अपने वे पे अपनी लाइन पे आ रहा हो सामने से टक्कर हो जाएगी, तो नुकसान हो जाएगा यार दोनों को। भाई ये फोग देखो नीचे की तरफ किस तरह दिखाई दे रहा है, एंड अपनी बंदी कह रहा हूँ, मेरी धंधो वो कड़ी सामने की तरफ दिख गई। यहाँ पर कोई है क्या नीचे? हाँ यहाँ पे झाड़ू माड़ू मार रहा कोई, और अभी तक भाभी को पता भी नहीं है, अब देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगी। तो मम्मी को मत बताना। मम्मी को ना बताऊं? नहीं अभी तक। ये देखो भैया मम्मी देखो, ये बदतमीज औरत, आवाज तो आई थी पहले वाले अच्छी यार, ये क्यों नहीं लग रहा? लग गया। और क्या हाल चाल है बगे के अंदर? अब तो देखते हैं। हाँ भाई रिश्तेदार क्या हाल है? ठीक है। हेलो, अबे सोक डोगे क्या तू? ओए ओ गधे, हेलो चाचू, फोन छीन लो मेरे से। ये देखो भाई जो रो रहा था ना, देखो कैसे बैठा, और ये देखो मेरे पास शेर बैठा, शेर। कॉपीराइट आने की दिक्कत है क्या? लगता तो वैसा आ सकता, पर बाहर का मौसम चेक करो भाई, वो रखा बहुत ज्यादा। तो गाइज अभी निकल रहा हूँ, कहाँ भाई पेट्रोल पंप आ गया था, निकल गया रहा हूँ, निकल चुका, और मेरा फ़ोन बंद हो गया था, डर्ट हो गया था, एंड अभी एक कज़न सिस्टर आ रही है, उसे लेने के लिए जा रहा हूँ वापस परी चौक, मतलब यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है, बात करने के चक्कर में गाड़ी लोक हो गई। क्या हुआ? अंदर बैठा था, हम जा रहे हैं चाचा भतीजे दोनों एक साथ। एक मिनट हम जरा थोड़ा सा गाड़ी को निकाल लेंगे को फिर बता लाते हैं। हाँ तो हम कहाँ जा रहे हैं? अभी एक मिनट रुको। हाँ
फादर हम कहाँ जा रहे बेटी? चानू के पास। और एक और गुड न्यूज दे दे तू, मैं आप लोगों को दे देता हूँ आप लोगों को। भाई मेरे लिए भी गुड न्यूज है, आप लोगों के लिए भी होगी जो इस गाड़ी से प्यार करते होंगे। तो हमारा स्कोडा ऐप चालू हो चुका है, जिससे अब मेरा GPS में इस गाड़ी को अपनी करंट अपडेट कभी भी ले सकता हूँ। एंड इसमें बस पता है कितना पेट्रोल पड़ा था, 4% पेट्रोल पड़ा था। यहाँ से तो 0 दिखा रहा था, पर ऐप के अंदर एग्जैक्ट बता रहा था कि वहाँ अभी इस गाड़ी के अंदर कितना पेट्रोल है, एंड गाड़ी कहाँ स्टार्ट हुई थी, कहाँ बंद हुई थी, और कब, मतलब कल और आज की मेरे पास सॉरी नोटिफिकेशन आ गई इस पर एकदम। निकाल तो मैं इसमें शायद निकल पुरानी नहीं आ पाएगी, बहुत ही ऊँचा है नीचे, गाड़ी ज़्यादा नीचे हो गई थी। हाँ तो इसमें जब से ये ऐप मतलब हमारा ये चालू हुआ है ना डोंगल, इसकी GPS ट्रैकिंग डिवाइस, तब से अब तक इसने जहाँ जहाँ ये गाड़ी गई है ना, तो सब चीज़ें इसने इस सब जगहों को इसने कैच किया है कि ये गाड़ी कहाँ कहाँ गई है, तो उसके सबके नोटिफिकेशन आ गए मेरे पास एंड मैं ट्रैक कर सकता हूँ। बाकी आप लोगों को कंपनी की तरफ से जो मैसेज आया था वो दिखाऊंगा, बट अभी पहले हम वहाँ जाते हैं जहाँ हमें जाना है 21 किलोमीटर दूर। तो उसे लेकर आता छोरी को, पहले है नी, किसे लेकर आते, किसे लेकर आते, चानू को। तो गाइज अभी हमारे साथ आ गई है चानू, मिस्टर चानू, सॉरी मिस्टर नहीं है तो मिस चानू है, सॉरी। पर इसकी ना जब ये हंसती है ना तो इसकी आंखें बंद हो जाती है, फिर इसे दिखाई देता है ऐसा ऐसा करती है। अभी वापस निकल गए भाई, मैं इसने मेरे को आधा घंटा वेट कराया, 5:30 बज गए, 5 बजे मैं पहुंच गया था वहां पे, क्या नाम था, परी, अच्छा परी से, क्या नाम है, परी चौक मेट्रो स्टेशन है ना, इससे आगे भी एक और मेट्रो स्टेशन है, मतलब इस साइड में पड़ेगा, इधर से कोई सी यूनिवर्सिटी आई थिंक उसके पास, नहीं नहीं गलगोटे तो इधर पड़ेगी पागल, हाँ शायद शारदा हो सकता है, शारदा अगर कोने पे थी तो।